मुरादाबाद में मैनाठेर थाना क्षेत्र के महमूदपुर माफी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर अपने खिलाफ एक हाफिज पर फतवा जारी करने का आरोप लगाया है। तहरीर में कहा गया है कि डॉक्टर निजाम भारती ने अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत किया था, जिसके बाद गांव के ही हाफिज इमरान वारसी पर फतवा जारी करने का आरोप लगा है, जिसमें डॉक्टर निजाम भारती के मस्जिदों में घुसने पर पाबंदी लगाने और कस्बे में भगाने का आरोप लगाया गया है। जारी फतवे में डॉक्टर निजाम को जान से मारने वाले को 1,00,000 रुपए देने के ऐलान का भी आरोप लगाया गया है। डॉक्टर निजाम भारती की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी हाफिज इमरान वारसी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने शिकायतकर्ता पर झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया है। आरोपी का कहना है कि गैर कानूनी काम जैसे जुआ, सट्टा खेलने और खिलाने वाले लोगों से दूर रहने की बात कही थी। आरोपी ने कहा कि वह सट्टे और जुए से परेशान है, क्योंकि उनके बेटे को भी इसकी लत लग गई है, इसलिए वह चाहते हैं कि इलाके से हो रहे सट्टे के बाजार को बंद किया जाए। इसके साथ ही आरोपी इमरान वारसी ने कहा कि वह हाफिज हैं, जबकि मुस्लिम धर्म में फतवा देने का अधिकार सिर्फ मुफ्ती की डिग्री हासिल करने वाले को ही होता है, लेकिन डॉक्टर निजाम ने खुद दूसरा पर्चा लिखकर उसे फंसाने की साजिश की है। शिकायतकर्ता डॉक्टर निजाम भारती ने सादे कागज पर लिखे मामले को इमरान वारसी द्वारा जारी फतवा बताया है, जबकि इमरान वारसी इससे इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को समझाने के लिए अमृत विचार की टीम मुरादाबाद में लाल मस्जिद इलाके में रहने वाली मुफ्ती मोहम्मद कासिम रजा शहर मुफ्ती के यहाँ पहुँची, जहाँ फतवे के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मुफ्ती इकराम को फतवा देने का हक है। जो मुफ्ती फतवा जारी करते हैं उसमें उनका नाम और स्टाम्प मुहर भी लगी होती है। फिलहाल इस मामले में आरोपी इमरान वारसी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं चर्चा है कि डॉक्टर निजाम भारती ने अपनी लोकप्रियता के लिए साजिशन हाफिज इमरान वारसी को फंसाया है। वो मेरे घर के सामने से निकल गया था, तो मैंने उसमें मेरी फैमिली ने पुष्प की बारिश की, उसमें बारिश की, इसी को लेकर ये इमरान हाफिज जी ने जो है मेरे ऊपर फतवा जारी कर दिया और जान संभालने वाले को 1,00,000 रुपये का इनाम से इस तरह से मस्जिदों में इसने ये पर्चे डाले सब, और ये उसमें वीडियो फुटेज में भी आया है कि ये डालतों को पकड़ा गया है। वो वीडियो मैंने आपको दी है, आपके व्हाट्सएप पे दी है वीडियो, जो है दुकानों पे भी इन्हें रात के 5:02 पर पर्चे डाले थे। इसी टाइप का ये है, आप इसमें जो आगे आते हैं इसका भाई भी हो सकता है, इरफान शामिल, इसके भतीजे भतीजे भी हो सकते हैं। इनके खुराफाती लोग हैं ये, जुआरी सटेरे हैं लोग हैं ये, और मुझ पर इन्होंने इससे पहले भी मतलब गलत आरोपों के पर्चे ये डाल चुके हैं। मुझे मेरी छवि को हर तरह से खराब करना चाहते हैं, और अब तो हालात ये हैं कि आपने देखा ही है मेरी फैमिली घर में कैद है, मेरा काम तमाम पट हो चुका है, समझे, मरीज मेरे पास मुसलमान आ नहीं रहे हैं, बोले ये कोई मानते खा रहे, समझे, ये है बस वही है कि भाई मैं तो मैं तो डर हूँ, डर दहशत में, आपने देखा है साहब मेरा परिवार पूरा दहशत में। तो पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं अपनी बस ये है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, जिससे कि ये इनाम विनाम जो मैटर है, अगर कोई मार दे मेरे तो बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पास बच्चे 3 बेटियां हैं, मेरे पास 2 बेटे और तो कोई है नहीं। और समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? समाज से यही करना चाहता हूँ कि भाई मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, तालिबानी मुसलमान नहीं हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और कलमे का शरीक हूँ, रोजे भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें हैं सर, जो हमारी शरीयत कहती है कि अपने मुल्क के फिरत आप जो वफादार रहे, आप अपने मुल्क के नहीं तो किसी के नहीं, बस ये मेरी सोच है, शरीयत भी ये हमारी कहती है, कुरान भी हमारा ये कहता है कि आप अपने मुल्क के लिए नहीं, आप अपने देश के नहीं तो आप हमारे भी नहीं, बस समझ का फ़र्क है। समाज से मैं यही अपील करूंगा कि वही वो मुझे गलत ना समझे, इमरान हाफिज जी के बेटा है मैं आकर, और जो है जैसे मेरे पास रेगुलर आते थे मरीजों के तौर पर या सर्जरी कराने के लिए, जैसे भी आते थे आते रहे, भाई मेरा भी अपना जो है मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई मतलब वो हो गया था फिर हो गया या और कुछ हो गया या कोई मैं राष्ट्र विरोधी हो गया या इस्लाम विरोधी हो गया, कैसा भी यही कहना है प्रशासन से, मेरी यही मांग है कि मेरी सुरक्षा, मेरा परिवार पूरा बहुत तो है, आपने देखा सब परेशान है, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, सट्टेबाजों जो खिलवा रहे हैं लड़कों को नए मोबाइल द्वारा उधार भी खिलवा रहे हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं, मैं अपने लड़के से तंग आकर ये मैंने
एक चिट्ठी डाली जिसपे बाकी जो फर्जी मेरे नाम से चिट्ठी दूसरी बना दी उन्होंने। मैंने ये कहा था कि बोले इन्हें समझाओ गांव में गलत काम करा रहे हैं, इसे काम को रोका जाए या इसे निकालो। पर्ची एक डाली थी मैंने, बाकी जो दूसरी उन्होंने खुद बनाई है अपनी फर्जी। सट्टेबाजी कम सट्टे ना हो गांव के अंदर। मैं लकड़ी का नहीं नहीं मैं लकड़ी का कारोबार करता हूँ आर्मी से। बस गुस्से में लड़के के पैसे बर्बाद कर दिए, ज़मीन बेच दी मैंने, इस वजह से मैंने चिट्ठी डाली, फतवा थोड़ी जारी कर चिट्ठी डाली। फतवा नहीं था वो, ना हम दे भी नहीं सकते। बस ये गलती हो गई कि हमने थाने ना दी, थाने देनी थी हमें रिपोर्ट। उसमें सट्टेबाजों के नाम थे 5-6 लोग, गांव में दुकान पे रख दी थी। किसी ने दी, किसी को दी थी, ऐसी डाल दी थी। नहीं ना ना जी नहीं, सब फर्जी। मुझे फंसाया गया कि जुआ सट्टा ना होने दे रहे, यहाँ पर 1.5 साल से चले, 2 साल से ये कहानी। वो उसको पर्चे लिखे हुए हैं, उसका नाम डॉक्टर निजाम भारती सब लिखे हुए हैं। यहाँ तक इसका सवाल है, फतवा देने का कोई फतवा कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग कोई चीज़ है। फतवा शरी मसाइल में से एक मसला होता है, लेकिन बात यह कि फतवा को इसलिए कहा जाता है कि जो तहरीरी शक्ल में सवाल आता है दारुल इफ्ता के अंदर, जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं दारुल इफ्ता है, इसमें फतवे दिए जाते हैं। आप यहाँ तहरीरी शक्ल में जो भी सवाल लाएंगे, मिसाल के तौर पर कुछ मसले ऐसे हैं कि लोगों में एक मसले को या एक आदमी के बयान करने को लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं कि पता नहीं अपनी जानिब से कह रहे हैं या किधर से कह रहे हैं, इसलिए उसे सबकी इत्तेफाकी राय से सवाल को तहरीरी शक्ल में मुरतब किया जाता है, फिर दारुल इफ्ता में मुफ्ती की दरसगाह में लाया जाता है, दारुल इफ्ता में उसका तहरीरी तौर पर उसका जवाब लिखा जाता है। तो यही फतवा होता है, और ये शरी जो इस्लामिक ला है, शरी मसाइल हैं, उन मसाइल में से जो मसला दरपेश किसी इंसान को होता है, उसी मसले का हल और तहरीरी शक्ल में जो पेश किया जाता है उसी फतवा कहते हैं। जवाब नहीं, जवाब फतवा कुछ नहीं होता, जवाब फतवा नहीं है बल्कि इस्तिफ्ता जो आप पेश करेंगे, साइल जो पेश करता है तहरीरी शक्ल में, उसे इस्तिफ्ता कहते हैं, और उसका जो जवाब लिखा जाता है उसे फतवा कहा जाता है। फतवा देने के लिए चाहे सादा कागज़ आप इस्तेमाल कर लें तो उस पर अपनी मोहर लगा दें, जिसने जिस मुफ्ती ने फतवा दिया है, इसलिए कि ये किसकी जानिब से जवाब है, इसकी इसके जाहिर करने के लिए अपनी मोहर लगाएं, दारुल इफ्ता की मोहर लगाएं, या फिर अपना लेटर पैड हो उस लेटर पैड पर वो फतवा जारी कर सकते हैं। थाना मैनाठेर के महमूदपुर माफी गाँव में एक व्यक्ति डॉक्टर निजाम है, जिन्होंने तहरीर दिया है, जिनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो इमरान वारशी करके है, उसने एक फतवा इनके खिलाफ जारी किया है, और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इसकी प्रभावी पैरवी की जाएगी ताकि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। सर क्या एलिगेशन उसने इसमें दिया है कि पूरे कंप्लेंट में? देखिए कंप्लेंट में डॉक्टर निजाम भारती ने बताया कि जो फतवा जारी किया उसमें इनको मस्जिदों में ना जाने दिया जाए, इनको कस्बे से भगा दिया जाए, कुछ इस तरह के एलिगेशंस जो है वो फतवा में उन्होंने जारी किया, जिसके विरुद्ध जो है तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर कार्रवाई